शामली के गांव कमालपुर का मामला, जहां पर किसान ऋषिपाल पुत्र रघुवीर सिंह के दो दिन में लाखों रुपए की कीमत के चार दुधारू पशुओं की रहस्य में बीमारी से मौत हो गई। किसान का आरोप है कि सूचना के बाद भी चिकित्सक मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके कारण गांव के किसान में रोष व्याप्त है। दरअसल किसान श्रीपाल खेती के साथ गांव के ही दूध की डेयरी भी चलाते हैं। भैंस की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद पशु चिकित्सकों को इसकी जानकारी दी। टीम मौके पर पहुंची और पशुओं को देखकर वापस लौट गई। गुरुवार को पीड़ित किसान के तीन अन्य दुधारू पशुओं की मौत हो गई, जिसके बाद किसानों ने मिलकर जमकर हंगामा किया। आपका नाम? मेरा नाम सचिन है। अच्छा, ये जो पशुओं की मौत का मामला है, क्या है ये मामला? है जी, श्रीपाल सुनो, प्रभुवीर के यहाँ परसों रात अचानक पशु बीमार हरकत हुई और जो है फिर डॉक्टर को दिखाया। एक पैनल जो है शामली भी सूचना करी सीएमओ के यहाँ, वहाँ से भी एक टीम आई थी कल दोपहर में, पर डॉक्टर कोई उसका अच्छा इलाज नहीं कर पाए और वो छः के छः पशु धीरे धीरे करके एक एक करके मरते रहे और इनके छः पशु अब तक मर चुके हैं। अच्छा, कितने पशुओं की और तबीयत खराब है? तबीयत तो बस ये था जी, उनके गायें थी, मैं गायें तो ठीक हैं जी, और गाय का बछड़ा ठीक है, और जो भैंस है, भैंस के कटड़े, चार भैंस थी जी, एक कटिया और एक छोटी कटिया, ये छः पशु अब तक उनके मर चुके हैं परसों से। अच्छा, जैसा कि जानकारी में आया कि यहाँ का स्थानीय जो चिकित्सक है, पशु चिकित्सक, उसका रेस्पॉन्स नहीं है कुछ भी, ये क्या मामला? ये मामला ये है जी, एक तो ड्यूटी पर कम आ गए जी, व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल यहाँ लोगों को पता भी नहीं कि हमारे यहाँ चिकित्सक है कौन, बाहर के लड़के रखे हैं, वही थोड़ा बहुत काम करें। अब चिकित्सक को तो फोन फान करा जब मुश्किल से आए, और घोर लापरवाही रही। अब भी पशु अगर मैं आपको दिखाऊं तो पशु तड़प रहे और कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, मौके पर भैंस तड़प रही। लगभग कितने की कीमत का नुकसान इन्हें पशुओं को? लगभग अगर मानो आप छः पशुओं में 3.5 से 4 लाख का, जिसमें दो भैंस ताजी भी आई थी और दो भैंस उनकी क्या बढ़ती है, 6 महीने की, 4 महीने की, और एक जवान कटिया थी और एक उनकी छोटी कटिया थी लगभग साल भर की, तो ये 3.5 से 4 लाख का किसान का नुकसान है। अच्छा, क्या कार्रवाई आप लोग जो है चाहते हैं? हम तो ये चाहें जी कि एक तो यहाँ का जो है स्वास्थ्य विभाग दुरुस्त हो, और दूसरा ये है कि हमारे किसान की मदद हो हमारा का, क्योंकि वो पशु जो है इसकी आमदनी का स्रोत भी थे, दूध बेचता था, अपना परिवार चलाता था, वो जीविका इसी पर चल रही थी किसान की, उसकी मदद होनी चाहिए, हम ये मान